गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में 55 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा को संपन्न करवाया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मियों व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूरे परीक्षा केंद्र पर नजर रख रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था में हम लोगों ने मतलब है कि हर सेंटर पे हमारे पुलिस नोडल, हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक हैं। इसके अतिरिक्त हम सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ से पेपर लेके जा रहे हैं। उड़न दस्ते का हम लोगों ने मतलब है कि 3-3 उड़न दस्ते हैं जो कि केंद्रों के बाहर लगातार भ्रमणशील रहे हैं। हर केंद्र पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे जिले केंद्र पर और लखनऊ तक वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। जो भी संदेह व्यक्ति अभी तक तो कोई पाए नहीं गए हैं, जो भी संदेह व्यक्ति पाए जाएंगे तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।